कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने इस खास दौरे पर मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित भी करेंगे। शाम को BSSD कॉलेज में पूर्व प्रचारों और शिक्षकों के सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ उत्तर भारत के पहले स्वर संगम गोष शिविर में भी शामिल होंगे संघ प्रमुख। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में 6 से 10 अक्टूबर तक गोष शिविर आयोजित हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से अनिल जुड़ेंगे। अनिल, संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अनिल, RSS प्रमुख मोहन भागवत कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि मोहन भागवत कल रात को देर रात कानपुर में आ गए और कानपुर में आज से लेकर कल तक उनके कई बड़े प्रोग्राम लगे हुए हैं। और जो सुबह का प्रोग्राम था BSSD कॉलेज में, वो प्रोग्राम समापन हो चुका है। अब आने वाले आधे घंटे बाद कानपुर में एक बड़ा प्रोग्राम है जो कि वाल्मीकि समाज को लेके है। और कहीं ना कहीं मोहन भागवत की सब जो पिछले कामों को देखते हुए, जो आगे के काम उन्होंने जो प्लानिंग की है, और कोरोना काल के बाद जो RSS ने पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछड़े तबके लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जो कि RSS और इनकी विचारधारा से कहीं बहुत पीछे थे, तो इस मसले पे पूरी तैयारी कर ली है। और ये भी बताता चलूं कि जिस हिसाब से मोहन भागवत और अन्य पार्टियों ने जिस इन सब चीजों को लेकर तैयारियां की थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है और बहुत बड़ा संदेश कानपुर की जमीन से और कानपुर की धरती से बहुत बड़ा संदेश देने का विचार है। और जिस हिसाब से कानपुर में तैयारियां, आज प्रोग्राम है और कल भी प्रोग्राम है, और आज का जो प्रोग्राम है उसमें मोहन भागवत का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जुटने की आशंका है। और RSS ने इस प्रोग्राम के तहत अध्यापक और मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग और सिख समाज के लोगों को, कई लोगों को इसमें आमंत्रित किया है। और जिस हिसाब से तैयारियां है उस हिसाब से कहा जा सकता है लगभग 1.5 लाख लोग इसमें आने की पूर्ण संभावना है। इसके साथ ही जो इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं, जिस हिसाब से इनको जेट प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है, उसके तहत इनको RSS के जो विचारधारा के तहत जो भी प्रोग्राम है पूरे कानपुर में बराबर किए जाएंगे। और इसके बाद कानपुर के बाद 11 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे कानपुर से दूसरी जगह रवाना होंगे। और ये भी बताता चलूं कि जिस हिसाब से भी हिंदू से पिछड़े समाज के लोग RSS की विचारधाराओं से बच रहे थे, वह तो विचारधारा पसंद नहीं करते थे, उसी विचारधारा के तहत कहीं ना कहीं उनको अपने खेमे में लाने के लिए RSS का एक बड़ा प्रोग्राम है। और ये RSS जब से संघ बनाई गई थी उसके बाद से जो बड़ा प्रोग्राम इन्होंने कानपुर में किया है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को इतनी भारी मात्रा में इस आयोजन में बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि मोहन भागवत वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और एक बड़ा संदेश देने का प्रयास रहा है कानपुर की धरती से। अनिल, 3 दिवसीय दौरे पर है मोहन भागवत, तो इस दौरे का मेन मकसद क्या है मोहन भागवत का? अनिल, आवाज आ रही है आपको? बता दें मोहन भागवत कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने इस खास दौरे पर मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों को भी संबोधित करेंगे। शाम को BSSD कॉलेज में पूर्व प्राचार्यों और शिक्षकों के सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेंगे। बता दें कानपुर के दौरे पर हैं मोहन भागवत। अपने इस खास दौरे में मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
जिसमें वो वाल्मीकि समाज के लोगों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही BSSD कॉलेज में पूर्व प्रचारों और शिक्षकों के सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ उत्तर भारत के पहले स्वर संगम गोष्ठ शिविर में शामिल संघ प्रमुख होंगे। बता दें दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में 6 से 10 अक्टूबर तक। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता अनिल का। अनिल, संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं, तो इनका मेन मकसद क्या है इस दौरे को लेकर? जी मैं बता दूं कि जिस हिसाब से RSS का प्रोग्राम जगह जगह पे चल रहा है उसी के अनुसार आज कानपुर में एक बड़ा प्रोग्राम का रखा गया है। और इसके अलावा कानपुर में 3 दिवसीय दौरा है मोहन भागवत का। मोहन भागवत देर रात कानपुर आ चुके थे और आज कानपुर में लगभग 2 से 3 प्रोग्राम है और कल भी इनके 2 से 3 प्रोग्राम रहेंगे। और जिस हिसाब से RSS से अनुसूचित जाति के लोग और निचले तबके के लोग कहीं ना कहीं इनके साथ नहीं थे, उनको साधने का प्रयास कहीं ना कहीं मोहन भागवत का रहेगा और RSS की एक बड़ी विचारधारा को अपने से विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसका पूरा खाका पिछले कोरोना में तैयार कर लिया गया था कि किस हिसाब से अनुसूचित जातों को और लोगों को और पिछड़े तबके लोगों को अपने साथ लेना है। और इसके अलावा बता दूं जिस हिसाब से मोहन भागवत का पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि पिछले अभी वर्तमान में दिल्ली में एक मस्जिद के अंदर मौलानाओं से मिलना और मुस्लिम समाज के लोगों से मिलना और उनको एक अच्छा संदेश देना, साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को कानपुर में जिस हिसाब से तैयारियां की गई हैं, लगभग 1.5 लाख लोगों के साथ मोहन भागवत चर्चा करेंगे और जिसमें प्रोफेसर, अध्यापक, IITian और बड़े बड़े तबके के लोग जो कि उच्च विचारधारा वाले हैं उनके साथ और विशेषकर से अनुसूचित जाति के लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो आज का उनका प्रोग्राम है वाल्मीकि समाज को लेके और ये RSS बनाने के बाद से यार कानपुर में के पहला एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि वो किसी अनुसूचित जाति के इतने बड़े लोगों से, इतने बड़े तबके के साथ मिलेंगे। और लगभग बताया जाए कि जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे लगभग 1500 लोगों की तैयारी की गई है और शाम को जो तैयारियां हैं लगभग 1.5 लाख लोगों को लेकर बैठा तैयारियां हैं। और जिस हिसाब से कानून, यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर पूरी Z+ सिक्योरिटी के तहत इनकी जो तैयारियां की गई हैं, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है और जितने भी पुलिस है सबको अलर्ट पे किया गया है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से सुरक्षा में चूक ना हो। जी अनिल, मोहन भागवत के कानपुर में जो आगे की कार्यक्रम है उसकी क्या रूपरेखा तैयार की गई है? जी मैं बता दूं कि 11 बजे ये मोहन भागवत वाल्मीकि समाज को संबोधित करेंगे और शाम को 4:30 बजे BSSD कॉलेज नवाबगंज में जो बड़े तबके लोगों के और उच्च विचार के लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। और कल उनका BSSD कॉलेज में भी एक बड़ा प्रोग्राम लगा हुआ है जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग शामिल होने वाले हैं और शाम को भी आज लगभग इतने लोगों की संख्या है। और मैं बता दूं कि BSSD कॉलेज में लगभग 1500 कमरे बुक किए गए हैं। उसी के साथ ये भी बता दूं कि 6 कमरे आरक्षित किए गए हैं मोहन भागवत को लेकर और मोहन भागवत 11 तारीख को सुबह यहाँ से कानपुर से रवाना होंगे। और जिस हिसाब से तैयारियां हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव को लोकसभा चुनाव को लेकर RSS और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी का तरीके से कमर कस ली और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलता है। जी अनिल, क्या मोहन भागवत किसी नेता या बड़े नेता से मिल सकते हैं? क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए कोई रणनीति तैयार की जा सकती है? जी कहीं ना कहीं पिछले कोरोना के बाद से RSS इन सब कामों में प्राय लग गया था क्योंकि लगभग उच्च समाज के लोग और घरेलू समाज के लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सेवा संघ से जुड़े हुए थे। लेकिन जिस हिसाब से निचले तबके के लोग RSS के साथ नहीं जुड़े हुए थे उसी को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। और इसके अलावा जो आज शाम का प्रोग्राम है उसमें सांसद, विधायक और जितने भी मंत्री हैं जो कानपुर के आसपास के लोगों सबको आमंत्रित किया गया है और कानपुर से लेके कानपुर मंडल जो भी है और या इटावा, झांसी से सभी जितने भी नेतागण हैं सबको बुलाया गया और कहीं ना कहीं मोहन भागवत सबको संबोधित करेगा। और एक चीज पिछले बयानों से कहीं ना कहीं मोहन भागवत के लग रहा है जिस हिसाब से मोहन भागवत ने पुराने बयानों से लेके कि खासकर से हिंदू में जो जाति व्यवस्था है उसको लेके अक्सर वो इस टाइम बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज के जो इनका लोगों से मिलने की बातचीत होगी एक बड़ा संदेश देने का भी आदेश होगा। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए।
लखीमपुर खीरी में विकास कार्यों की पोल खुल रही है। नालियां ना होने के कारण कई सड़कों पर और घरों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। लोगों का कहना है कि भूपतीपुर में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गांव की नालियां चोक हो गई है और लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है और लोगों की इस परेशानी पर जिम्मेदार मौन दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखीमपुर से धीरज जुड़ेंगे। धीरज, लखीमपुर खीरी में विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं लखीमपुर खीरी में लगातार 5 दिन से हो रही रुक रुक बारिश से पूरी तरीके से जो जलजीवन पूरी तरीके अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पर अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य की बात करें, तो पूरी तरीके से इस बरसात ने ग्राम पंचायत के विकासों की पोल खोल करके रख दी है। चाहे वो नगर निगम का गांव रहा हो, कस्बा रहा हो, चाहे वो ब्लॉक क्षेत्र के, जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, बेजम ब्लॉक के अंतर्गत भूपतपुर गांव की जो तस्वीरें हैं आप पूरी तरीके से बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा किया गया। सारी नालियां चोक है, जो गांव के रास्ते हैं वो एकदम तालाब में तब्दील हो गए। गांव में पूरी तरीके से जलभराव है। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो पूरी तरीके से मौन है। ना तो ग्राम पंचायत अधिकारी गांव पहुंच रहे हैं, ना तो ग्राम प्रधान के द्वारा कहीं पे देखा जा रहा है। पूरी तरीके से जलभराव है। गांव के जो लोग हैं वो परेशान है जलभराव। लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस रहा है, लोग परेशान है। पूरी तरीके से ग्राम प्रधान की लापरवाही है और पूरी तरीके से जो गांव के लोग उनका जल भराव से पूरी तरीके से परेशान है। आज सुबह से ही लगातार सुबह से बराबर बारिश हो रही, जिससे पूरी तरीके जीवन व्यस्त हो रहे। सारी नालियां चोक हुई है। कहीं पे भी रोडों पे आप देख सकती है पूरी दो दो तीन तीन फीट पानी भरा हुआ है। धीरज, इसमें किसकी लापरवाही सामने आई है? क्यों जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है? अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है जी। पूरी तरीके से जो चाहे आप ग्राम प्रधान हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो या ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हो, वीडियो से भी हमारी वार्ता, लेकिन कोई किसी भी के कान में जू नहीं रेंग रही। पूरी तरीके से लापरवाही, जैसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है पूरी बरसात में, जो लोग टीमें गठित की, लेकिन देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से संलिप्तता देखी जा सकती है। धीरज, गांव में इस तरह की बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, कई लोग परेशान हैं, तो क्या इससे ग्राम प्रधान और जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनसे बात हो पाई है? इस पर उनका क्या कहना है? बिल्कुल, ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत अधिकारियों से वार्ता हो रही, उनसे अगर वार्ता की तो वो बातों को टालते हुए बता रहे हैं कि व्यवस्था की जा रही है, नालियां बनवाई जाएंगे, लेकिन अगर इससे पहले बरसात के पहले जिम्मेदार व्यक्ति जागते तो आज ये जो गांव में हालात है, जलभराव हो रहा है, बाकायदा लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ये आज नहीं होता। तो सीधे तौर से जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनकी लापरवाही पूरी तरीके से सामने आ रही है। जी, धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।